हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है और ये दोनों इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें, दे हैव कंप्लीटेड इट। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका मतलब है वे इसे पूरा कर चुके हैं। इसकी जो हिंदी में आता है कर चुके हैं, कर चुकी है, कर चुका है, इस तरह से चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है इसमें। तो इसका पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे इसका सब्जेक्टिव फॉर्म बना करके। चूंकि इट का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो इट ही होता है, वो चेंज नहीं होता है, तो इट अपनी जगह यहाँ सबसे पहले रख देंगे। जैसा इट है वैसे ही इसको रख देंगे। उसके बाद अब देखिए, इट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ पर दे के साथ प्लूरल वर्ब है। अब ध्यान देना है, इसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे हम, जो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सबसे लास्ट में करेंगे। अब शुरू करते हैं हम, जब हमने सबसे पहले ये लिख दिया तो उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। तो हैव कंप्लीटेड जो है ये हैव बीन कंप्लीटेड हो जाएगा, लेकिन इट के साथ हैव ना आकर के हैज आता है, तो इट हैज बीन कंप्लीटेड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगाया जाता है। परफेक्ट टेंस में पैसिव की पहचान ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देते हैं तो ये पैसिव बन जाता है। यानी ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और उसके बाद बाय लिख देते हैं। बाय लिखने के बाद दे, ये जो दे है इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे का देम होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें विस्तार से बता रखा है, उसको ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिए दोबारा, तो दे का देम हो जाता है। तो सेंटेंस बन गया इट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इसका अर्थ था कि वे इसे पूरा कर चुके हैं, इसका मतलब हुआ उनके द्वारा यह पूरा किया जा चुका है। अब नेगेटिव में देखिए, दे हैव नॉट कंप्लीटेड इट। तो हैव और कंप्लीटेड के बीच में नॉट लगा दिया, यानी पहले जो हेल्पिंग वर्ब है आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो दे हैव नॉट कंप्लीटेड इट, केवल नॉट का अंतर है, बाकी सेम रहेगा। इट अपनी जगह है, हैज अपनी जगह है, देखिए बीन अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह और ये अपनी जगह, केवल हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहां भी नॉट लगा देते हैं, तो ये पैसिव बन जाता है। तो ये बन गया दे हैव नॉट कंप्लीटेड इट, वे इसे पूरा नहीं कर चुके हैं, और ये हो गया इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम, उनके द्वारा यह पूरा नहीं किया जा चुका है। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव दे कंप्लीटेड इट, क्या वे इसे पूरा कर चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, देखिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहां पर हैव है तो हमने यहां पर हैज लिख दिया। हैज इसलिए लिखा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ दे के साथ हैव आता है और यहाँ इट के साथ हैज आता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इस इट को सबसे पहले लिखना है और इंटरोगेटिव होने के कारण उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो इट के साथ हैज आता है इसलिए सबसे पहले हैज लिखेंगे, उसके बाद इट आ जाएगा, उसके बाद फिर बीन कंप्लीटेड आ गया, और फिर बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, देम हो गया। तो हैव दे कंप्लीटेड इट,
क्या वे इसे पूरा कर चुके हैं? तो इसका पैसिव बन गया हैज इट बीन कंप्लीटेड बाय देम, क्या उनके द्वारा यह पूरा किया जा चुका है। अगला है WH फैमिली से हु से हमने बनाया है सेंटेंस और हु हैज या हैव कंप्लीटेड इट। इसमें हैज भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है प्लूरल के लिए, अगर ज्यादा हो तो हैव आएगा, सिंगुलर हो तो हैज आएगा, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। हु हैज कंप्लीटेड इट, इसी को देख लीजिए पहले कि इसे कौन पूरा कर चुका है, कौन, हु मीन्स कौन होता है। तो हु को हम चेंज कर देते हैं बाय हुम में, सबसे पहले हु को बाय हुम लिख देंगे, उसके बाद चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए इसके तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इट के साथ हैज आता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव की जगह जो है हम यहां पर हैज लगाएंगे, तो बाय हुम हैज। उसके बाद बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे जैसे कि यहां पर चल रहे थे, इट चूंकि यहां पर हैज पहले आ गया, उसके बाद बीन कंप्लीटेड आ गया, बाय हुम हैज इट बीन कंप्लीटेड, किसके द्वारा यह पूरा किया जा चुका है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव के या पैसिव इस तरह से बनते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की पहचान है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट उसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ही हैड पनिश्ड अ ब्लैक शीप, इसका मतलब है वह अ ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप यहां पर बच्चों ये इसका भाव है, ही भावार्थ लगेगा, ब्लैक शीप वैसे काली भेड़ होता है लेकिन इसका शब्द शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका भाव होता है शैतान या कुल कलंकी, कुल कलंकी भी कहते हैं इसको, ब्लैक शीप को, या अयोग्य व्यक्ति भी कहते हैं। तो यहां पर हम शैतान, इसका मतलब है शैतान, शैतानी के लिए दंड किया गया है, तो ब्लैक शीप मीन्स यहां शैतान मान लो इसको। ही हैड पनिश्ड अ ब्लैक शीप, वह शैतान को दंडित कर चुका था, ही हैड पनिश्ड अ ब्लैक शीप, वह शैतान को दंडित कर चुका था, पनिश्ड मीन्स दंड होता है, पनिश करना। तो अब इसका पैसिव कैसे बनता है देखिए, अ ब्लैक शीप ये ऑब्जेक्ट है, ब्लैक शीप को ऐसे ही लिख देंगे, सब्जेक्ट के रूप में यहां पर ले आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ब्लैक शीप इस ऑब्जेक्ट को ले आए, उसके बाद देखिए हैड पनिश्ड है तो हैड बीन पनिश्ड कर देंगे इसको, पनिश्ड से पहले बीन लगा दिया तो हैड बीन पनिश्ड हो गया, बहुत ईजी है देखिए। उसके बाद बाय लगा करके तो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है तो हिम लिख देंगे। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आए, चूंकि ये चेंज होना नहीं है इसलिए वही रहेगा, अब ब्लैक शीप ही रहेगा। उसके बाद हैड पनिश्ड जो है इसको तो लास्ट में लेते हैं, ध्यान रखना है इसको छोड़ दो अभी, तो हैड पनिश्ड को हैड बीन पनिश्ड कर देंगे और उसके बाद बाय लगा करके ही का जो है हो जाएगा। तो अब क्या बन गया देखिए, ही हैड पनिश्ड अ ब्लैक शीप, वह शैतान को दंडित कर चुका था, तो यहां पर बन गया शैतान उसके द्वारा दंडित किया जा चुका था। अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे, हेड के बाद नॉट लगा देते हैं सीधे, ही हैड नॉट पनिश्ड, बाकी वही रहेगा थी, ही हैड नॉट पनिश्ड अ ब्लैक शीप, वह शैतान को दंडित नहीं कर चुका था, नेगेटिव बना। तो पैसिव में कैसे बनाते हैं देखिए, अ ब्लैक शीप जो इसका ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर इस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं अ ब्लैक शीप। उसके बाद देखिए हैड नॉट पनिश्ड है तो हैड नॉट बीन पनिश्ड आ जाएगा, देखिए हैड नॉट बीन पनिश्ड आ गया। उसके बाद बाय लगा देंगे और ही का हिम कर देंगे, तो ये बन गया आपका
अ ब्लैक सीप हैड नॉट बीन पनिश्ड बाय हिम, एक शैतान जो है उसके द्वारा दंडित नहीं किया जा चुका था। अब इसका इंटरोगेटिव देखिए, हैड ही पनिश्ड अ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, शैतान को क्या उसने दंडित कर दिया था, या शैतान उसने वह शैतान को दंडित कर चुका था। तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए हैड सबसे पहले आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से जो है बनने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले आती है। तो हैड, हैड सबसे पहले आ गया। उसके बाद देखिए जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अ ब्लैक शीप, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये तो लास्ट में आना है, हेड आ गया, अब बचा पनिश्ड, तो पनिश्ड से पहले बीन आएगा, तो बीन पनिश्ड लिख दिया। उसके बाद बाई लगा करके ही का हिम बना दिया, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। तो क्या बन गया सेंटेंस देखिए, हैड ही पनिश्ड अ ब्लैक शीप, तो हैड अ ब्लैक शीप बीन पनिश्ड बाय हिम, क्या वह शैतान को दंडित कर चुका था, यहां पर बन आएगा, क्या उसके द्वारा शैतान को दंडित किया जा चुका था। अब डब्ल्यू एच फैमिली से देखिए, हु से, हु हैड पनिश्ड अ ब्लैक शीप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हु को बाय हुम में चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद अब आगे की कार्रवाई वही चलेगी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पर अब ब्लैक शीप, उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में ले आएंगे, वो चेंज नहीं होता, अब ब्लैक शीप ही है, ये बदलता नहीं है, तो अब ब्लैक शीप लिख दिया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, पनिश्ड बचा, तो पनिश्ड से पहले बीन लिख देंगे, तो बीन पनिश्ड हो गया। ये ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव में परफेक्ट टेंस में बीन आता है, बस ये मेन चीज याद रखना है। तो ये सेंटेंस बन गया आपका, हू हैड पनिश्ड अ ब्लैक शीप, शैतान को कौन दंडित कर चुका था, ये बन गया, किसके द्वारा शैतान दंडित किया जा चुका था। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव शोल्ड अ कार, वह कार को बेच चुका होगा, कर चुका होगा, ध्यान रखना इसमें चुका शब्द आता है तीनों में। ही विल हैव सोल्ड अ कार, वह कार को बेच चुका होगा, अ कार विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम। अब देखिए कैसे बना, अ कार यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में अ कार ही लिख देते हैं, ये बदलता नहीं है। उसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं, इसको लास्ट में लिखना है, ध्यान रखना है, इसको अभी छोड़ दो, ये लास्ट में जाएगा यहां पर। तो अब यहां से शुरू करो, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये मॉडल एक्सिलरी, ध्यान रखना है, तो विल हैव सोल्ड जो है विल हैव बीन सोल्ड हो जाएगा, विल हैव सोल्ड, विल हैव बीन सोल्ड में चेंज हो जाता है। देखिए अ कार विल हैव बीन सोल्ड, बाय लगा करके ही का हिम बन जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। तो क्या बन गया सेंटेंस, अ कार विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा एक कार बेची जा चुकी होगी। अब देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में विल के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी वैसा ही रहता है, देखिए इधर नॉट लगा देते हैं, देखो बीच में नॉट आया, देखिए ही विल हैव सोल्ड अ कार की जगह ही विल नॉट हैव सोल्ड अ कार आ गया। तो ही विल नॉट हैव सोल्ड अ कार, वह एक कार नहीं बेच चुका होगा, तो इसका जो पैसिव है अ कार विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय हिम। तो क्या किया, अ कार को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आए, यहां सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे इसको, अ कार को, ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको। उसके बाद क्या करते हैं, विल नॉट हैव बीन, ये ध्यान रखना है, have और sold के बीच में बीन आएगा, विल नॉट हैव बीन, सोल्ड से पहले बीन लगाना है, ये ध्यान रखना है,
वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले परफेक्ट में बीन आना, सभी में देख लीजिए आप। तो बीन सोल्ड बाय लगा करके ही का हिम लिख देंगे तो बन गया उसके द्वारा एक कार नहीं बेची जा चुकी होगी। अब इसका इंटरोगेटिव देखिए, विल ही हैव सोल्ड अ कार, विल ही हैव सोल्ड अ कार, क्या वह एक कार बेच चुका होगा। तो क्या करेंगे, पैसिव में चूंकि इंटरोगेटिव है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। ये जो एक्सिलरी है विल मॉडल है बच्चों, ये मॉडल एक्सिलरी है, तो विल सबसे पहले यहां पर लिख देंगे, फिर उसके बाद अकार, क्योंकि अकार के साथ भी विल ही आना है और ही के साथ भी विल ही आना है, आई और वी के साथ केवल शैल आना है, ये ध्यान रखना है। तो विल अकार, विल अकार, ये कार यहां पर आ गया। अब ये ध्यान रखिए, ये तो लास्ट में आना है, इसको हैव सोल्ड को हैव बीन सोल्ड कर देंगे, हैव बीन सोल्ड बाय लगा करके इस ही का हिम लगा देंगे। तो ये आ गया विल अ कार हैव बीन सोल्ड बाय हिम। तो यहां था क्या वह एक कार बेच चुका होगा, तो यहां हो गया क्या उसके द्वारा एक कार बेची जा चुकी होगी। अब डब्ल्यू एच फैमिली से देखिए हु से बनाए रखा है, हु विल हैव सोल्ड अ कार, एक कार कौन बेच चुका होगा। तो हु की जगह हम बाय होम लिख देते हैं पैसे बनाते समय सीधे, उसके बाद विल, ये जो ऑक्सिलरी है मॉडल विल यहां पर आ जाएगा, तुरंत बाद आएगा। अब फिर प्रक्रिया वही होगी, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट अ कार आ गया, उसके बाद अब कौन बचा देखिए, ये या बाय होम आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो कौन बचा, हैव सोल्ड, तो हैव सोल्ड की जगह हैव बीन सोल्ड आ जाएगा। तो बाय होम विल अ कार हैव बीन सोल्ड, तो इसका मतलब था कौन एक कार बेच चुका होगा, यानी एक कार कौन बेच चुका होगा। यहां पर आया किसके द्वारा एक कार बेची जा चुकी होगी। तो ये हमारे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के एक्टिव से सारे पैसिव हो गए, और मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये अच्छी तरह आ गए होंगे। इसके बाद जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव का पैसिव नहीं बनता है, किसी का भी नहीं बनता है, प्रेजेंट का भी नहीं बनेगा, पास्ट का भी नहीं बनेगा और फ्यूचर का भी नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि जब एक्टिव में बी, बीइंग और बीन आता है मेन वर्ब से पहले, तो उन सेंटेंसेस के एक्टिव का पैसिव नहीं बनता है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।